आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई स्ट्रेस में रहने लगा है, और ये जो स्ट्रेस होता है ये स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट हो जाता है। पहले उस पर पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, उसके बाद जॉब पाने के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसका स्ट्रेस होता है। उसके बाद अगर जॉब मिल जाए तो जॉब का जो इतना ओवरलोड होता है कि स्ट्रेस में रहने लगा है आदमी, या कोई फैमिली की समस्याएं हो जाती हैं, किसी भी फैमिली में कोई समस्याएं होती हैं तो उसके कारण भी व्यक्ति स्ट्रेस में रहने लगा है। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको स्ट्रेस क्या होता है, और ये स्ट्रेस क्यों होता है, और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जो सिम्टम होते हैं इसके क्या क्या होते हैं, और स्ट्रेस की मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरी सर में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस की कोई एक परमानेंट डेफिनेशन नहीं है। जैसे किसी एक के लिए कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन स्ट्रेसफुल होती है, तो दूसरे के लिए हो सकता है वो स्ट्रेसफुल ना हो। जैसे कोई पढ़ाई का जो दबाव मानता है स्ट्रेस मानता है, तो दूसरा जो स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई को इंजॉय करता है। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति अपना वर्कलोड मान रहा है किसी जॉब को या प्रोफेशन को, और हो सकता है दूसरा जो उसमें बिल्कुल पारंगत हो, जो एक्सपर्ट हो, वो उसको बोझ ना माने, वो स्ट्रेस ना माने। तो इसलिए इसकी कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है। इसके जो स्ट्रेस के क्या मतलब मेन कारण हो सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। एक तो फैमिली या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या फैमिली में कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हो, तो उसके कारण भी स्ट्रेस में रहता है आदमी। उसके बाद जॉब इनसिक्योरिटी, जैसे कोई टेम्परेरी जॉब्स होती हैं जिसका पता नहीं होता कि आज है और कल रहेगी या नहीं रहेगी। और तीसरी सिचुएशन है कि वर्क प्लेस कल्चर, जैसे कोई वर्क प्लेस चेंज हो जाता है, उसको दूसरा सूट नहीं करता, तो वो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकती है। या हाई परफॉर्मेंस डिमांड हो सकती है कि वर्कलोड जो आपके है कि वो उसमें टारगेट मिलते रहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस के, तो उसके कारण भी जो व्यक्ति है वो स्ट्रेस में रहता है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं हम। एक तो जो सबसे पहला इसका लक्षण है कि मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, कि उसमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन, दिमाग में स्ट्रेस रहने से उसका ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में सही नहीं जाता, जिसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। कानों में कई बार रिंगिंग की आवाज़ आने लगती है अपने आप ही। ये जैसे हाई वॉल्यूम वाली जगह पे जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ये, या कोई आईपॉड आईफोन वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं तेज़ आवाज़ में। इसके बाद सडन अटैक ऑफ पैनिक, या कोई भी एकदम सदमा लग जाए किसी को, या चेस्ट पेन हो, चेस्ट में पेन हो, छाती में दर्द हो जाए अचानक, नर्वसनेस भी इसका एक कारण हो सकता है स्ट्रेस का, या एक्सेस एंग्जाइटी और डिप्रेशन, डिप्रेशन जैसे डिप्रेशन में आ जाता है तो उसके कारण भी स्ट्रेस ज़्यादा रहती है। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, किसी भी काम में एकाग्रता ना बनाई पाना, ये भी स्ट्रेस का एक लक्षण है। और अचानक जैसे वेट गेन हो जाए, वेट बढ़ जाए या लूज़ हो जाए, जैसे अचानक वेट कम हो गया या बहुत ही ज़्यादा हो गया, और आप डाइटिंग मान लो डाइटिंग कर रहे हो फिर भी आपका वेट बढ़ जाता है, या आप अच्छी आपकी डाइट है फिर भी आपका वेट कम हो जाता है, तो ये भी स्ट्रेस का एक लक्षण है। तो ये जो मेन लक्षण है, अगर जो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अधिकता में दिखें तो इसका मतलब स्ट्रेस है और एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की ज़रूरत है, या आपको कुछ मेथड है जो आगे टेक्निक बताऊंगा मैं, तो उन पे गौर करने की ज़रूरत होगी। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन से मेथड हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी जो तीन बेसिक जो ग्रुप्स में बांटा गया उन टेक्निक को, एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है कि आपने जैसे भी ये जो पीछे लक्षण दिखें तो उसमें उन लक्षणों को देख करके उस पे एक्शन अप्रोच लेनी है कि उसको कैसे कवरअप करना है। दूसरा इमोशनल ओरिएंटेड अप्रोच, कि जो जिसकी जैसे कोई पर्टिकुलर जिस किसी को स्ट्रेस है और उसको उसी तरीके से हैंडल करना है जिस टाइप की उसकी स्ट्रेस है, उसको महसूस भी नहीं होने देना और उसको इमोशनली हैंडल करना है। और तीसरे प्रकार की जो अप्रोच है वो एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच है। जब हम स्ट्रेस की ऐसी कंडीशन हो जाती है जब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और उसके बाद हमने उसका जो साइकोलॉजिस्ट से इलाज करवाना पड़ता है, या अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है ताकि हम उसको हैंडल कर पाएँ। तो
तो अगर आपको वीडियो का ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।